अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे हैं लर्निंग विद मुज़म्मिल आज हम लेक्चर नंबर थ्री इंग्लिश ब्रेल स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अपनी जो रिमेनिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स रह गई हैं हम वो डिस्कस करेंगे रिमेनिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स में हमारे पास यू टू जी तक रह गए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं लर्न करते हैं यू को यू के डॉट्स हैं वन थ्री सिक्स वी वन टू थ्री सिक्स डब्ल्यू टू फोर फाइव सिक्स एक्स वन थ्री फोर सिक्स वाई वाई के डोट्स हैं वन थ्री फोर फाइव सिक्स जी जेड जिसे कहते हैं के डॉट्स हैं वन थ्री फाइव सिक्स अब U से Z तक के डॉट्स सा आपके सामने हैं और एक कॉमा के डॉट भी लगाए हुए हैं कॉमा के डॉट्स हैं डॉट टू कॉमा के डॉट्स, डोट टू इसका यूज़ कैसे करना है वो भी हम सीख लेते हैं अब आपके सामने A टू Z तक कंप्लीट अल्फाबेट आपके सामने प्रेजेंट की गई है आप देख सकते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z इस सब इन सभी अल्फ़ाबेट्स के डॉट्स आपके सामने है। हैं नाउ कुछ एग्जांपल्स हैं कंप्लीट अल्फाबेट्स की फ़र्स्ट एग्जांपल है क्वैक Q U A K E Q के डॉट है वन टू थ्री फोर फाइव U वन थ्री सिक्स ए डॉट वन के वन थ्री एंड ई के डॉट हैं वन फाइव उसके बाद वेव वेव में डब्ल्यू डब्ल्यू के डॉट हैं टू फोर फाइव सिक्स ए के डॉट हैं वन वी वन टू थ्री सिक्स एंड ई वन फाइव उसके बाद गेव जी ए वी गेव जी के डॉट हैं वन टू फोर फाइव एंड ए के डॉट हैं डॉट वन वी वी के डॉट हैं वन टू थ्री सिक्स एंड ई के डॉट हैं वन फाइव उसके बाद जिग जैग जिग में जी जाग. जाग में जाग के डॉट हैं वन थ्री फाइव सिक्स आई के डॉट टू फोर जी वन टू फोर फाइव एंड देन जैग जैग में जेड के डॉट वन थ्री फाइव सिक्स ए के डॉट वन जी वन टू फोर एंड फाइव उसके बाद वीप्स डब्ल्यू डब्ल्यू ई पी एस W के डॉट हैं टू फोर फाइव सिक्स E के डॉट हैं वन फाइव देन E वन फाइव P वन टू थ्री फोर एंड S टू थ्री फोर उसके बाद विक्ट्री V I C T O R Y विक्ट्री विक्ट्री में V के डॉट हैं वन टू थ्री सिक्स I के डॉट टू फोर C के डॉट हैं वन फोर एंड T टू थ्री फोर फाइव O वन थ्री फाइव R वन टू थ्री फाइव एंड वाइव वन थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो ये विक्ट्री के डॉट्स थे विक्ट्री को हम इस तरह लिखेंगे ब्रेल में उसके बाद हमारे पास एक सेंटेंस है जो कि है ही हैज़ एप्पल्स कॉमा ऑरेंजेस कॉमा बुक्स कॉमा बैट्स फुल स्टॉप तो अब हम इसको आ, ब्रेल में कैसे लिखेंगे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात कर लेते हैं ही की ही में देखें तो एच कैपिटल है और हमने अपने लेक्चर नंबर टू में कैपिटल को कैसे लिखना है वो हमने सीखा है उस कैपिटल के लिए हम डॉट सिक्स यूज़ करेंगे ठीक है उसके बाद एच के डॉट वन टू फाइव ही वन फाइव दैन फिर हम एक स्पेस खाली छोड़ेंगे उसके बाद हैज़ एच वन टू फाइव ए डॉट वन एस टू थ्री फोर देन हम स्पेस खाली छोड़ देंगे फिर एप्पल्स ए के डॉट वन पी वन टू थ्री फोर देन पी वन टू थ्री फोर और एल वन टू थ्री फोर और ई वन फाइव एंड एस टू थ्री फोर उसके बाद कॉमा है तो हमने बात की थी जो भी जितने भी पंक्चुएशन साइंस होंगे वो जिस वर्ड के साथ लगे हुए हैं हम उसमें बगैर स्पेस के उसी वर्ड के साथ हम उसके डॉट्स एम्बोज कर देंगे डॉट्स लगा देंगे तो कोमा के क्योंकि डॉट हम लर्न कर चुके हैं डॉट टू है तो हम उसके एप्पल्स के बिल्कुल साथ बगैर स्पेस के हम डॉट टू एम्बोस कर देंगे तो इस तरह एप्पल्स कॉमा लिखा जाएगा दैन औरजिज औरेंजेज ऑरेंज ओ वन थ्री फाइव आर वन टू थ्री फाइव और उसके बाद ए डॉट वन एन वन थ्री फोर फाइव उसके बाद जी वन टू फोर फाइव और उसके बाद ई वन फाइव एंड एस टू थ्री फोर और उसके बाद फिर कोमा है तो कोमा के हम बगैर स्पेस के डॉट टू लगा देंगे देन बुक्स बुक में बी डॉट वन टू ओ वन थ्री फाइव फिर ओ वन थ्री फाइव के वन थ्री और एस टू थ्री फोर और फिर कोमा है तो डॉट टू लगा देंगे उसके बाद बैट्स बी ए टी एस बैट्स फुल स्टॉप बैट्स में बी के डॉट हैं डॉट वन टू ए डॉट वन टी टू थ्री फोर फाइव एस टू थ्री फोर एंड देन फुल स्टॉप फुल स्टॉप के डॉट हैं टू फाइव सिक्स तो इस तरह हम लिखेंगे ही हैज़ एप्पल्स कॉमा ऑरेंजेस कॉमा बुक्स कॉमा बैट्स फुल स्टॉप तो इस सेंटेंस को हम ब्रेल में कुछ इस तरह लिखेंगे तो आज के लेक्चर में इतना ही अल्लाह हाफिज़